नमस्कार साथियों, मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर एचटेट 2018 की कड़ी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। आज जो मैं प्रश्न पत्र ले रहा हूँ वो दूसरी कड़ी है, कोड संख्या 1201 की, जिसमें हम आज 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी विच सिस्टम इंक्लूड वैल्यूज। पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में है? तो पारिस्थितिक सिद्धांत, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, ये दिया है ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर ने। इकोलॉजिकल मॉडल ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का दिया हुआ है। इन्होंने एक पारिस्थितिकी का मॉडल दिया जिसमें सबसे केंद्र में माइक्रो, उसके ऊपर मीजो, मीजो के ऊपर हम देखें तो एक्सोसिस्टम, एक्सोसिस्टम्स के ऊपर है मैक्रोसिस्टम, और मैक्रोसिस्टम के ऊपर में सभी से जुड़ा हुआ क्रोनोसिस्टम। तो इस तरीके से दिया है। अगर हम देखें तो माइक्रो, माइक्रोसिस्टम में इंटरेक्शन से अंतर क्रिया है बच्चे की। मैक्रो माइक्रो के बाद जो हम देखें, जो अगर ये पहला माइक्रो सिस्टम हुआ, दूसरा मीजो सिस्टम, तीसरा एक्सोसिस्टम, और चौथा मैक्रोसिस्टम। तो पहला है सूक्ष्म, दूसरा है मध्य तंत्र, तीसरा है बाह्य तंत्र, और चौथा है वृहत तंत्र, और इन सब से जुड़ा जो पांचवा तंत्र है जिसको क्रोनोसिस्टम कहते हैं, घटना मंडल कहते हैं। तो मूल्य, विश्वास, परंपराएं, ये सब मैक्रोसिस्टम का हिस्सा हैं, ये सब वृहत तंत्र का हिस्सा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्न में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट दिया गया, नहीं है पूछा गया है, इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव। तो एक्वायर्ड मोटिव का मतलब हो गया कि ये हमें साइको सोशल डोमेन से मिलेगा, ये हमें मनो सामाजिक क्षेत्र से मिलेगा। और मनो सामाजिक क्षेत्र से मिलेगा तो अभिवृत्ति, रुचि और जिज्ञासा, ये तीनों मनोसामाजिकता से मिलते हैं। एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, दे आर फ्रॉम द साइकोसोशल डोमेन। जबकि हंगर, भूख जो है, ये एक आंतरिक अंतर्नोद से निकलने वाली हमारी अभिप्रेरणा है। हम अगर देखें तो ये आंतरिक अंतर्नोद है। हंगर इज एन इंटरनल ड्राइव। तो अगर हम आंसर देखें तो क्योंकि नहीं पूछा गया था तो इसीलिए यही आंसर हो गया, क्योंकि ये साइकोसोशल मनोसामाजिकता से लिया हुआ नहीं है, तो आंसर हमारे पास यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें अकॉर्डिंग टू द प्याजे, द एज रेंज ऑफ द सब स्टेज मेंटल रिप्रेजेंटेशन। प्याजे के अनुसार संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण प्रतिनिधि की आयु क्या है? ध्यान रखिएगा, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ही ऑब्जेक्ट परमानेंस देती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का एंड है ये, वस्तु स्थितिकरण का अंत है। तो अगर हम देखें तो प्याजे ने इसमें 6 स्टेजेस बांटी थी। पहला जो स्टेज है वो बर्थ से 1 महीने तक, बर्थ से 1 महीने तक का है, तो वो हम देखें वो किसका है, वो रिफ्लेक्स का रहता है, सहज क्रिया। फिर 1 महीने से 4 महीने तक का प्राइमरी सर्कुलर है, इसमें नहीं दिया गया, 1 से 4 मंथ का।
प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। प्राथमिक पुनः उत्पादक अनुक्रियाएं होती हैं जो 1 से 4 महीने में रहती हैं, ये दूसरा स्टेज रहता है। फिर तीसरा है 4 से 8 महीने का जो कि सेकेंडरी रिएक्शंस हैं, हमारे पास द्वितीयक अनुक्रियाएं हैं। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं 8 से 12 महीने का जो कि कोऑर्डिनेशन, 8 से 12 महीने समन्वयन की अवस्था रहती है, यानी जो सर्कुलर रिएक्शंस हमने सीखे हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस आ चुके हैं इससे पहले की 2 उप अवस्थाओं में, उनके बीच में अब समन्वयन करके हम स्कीमा के ऑब्जेक्ट परमानेंसेस के प्राथमिक निरूपण को देखना शुरू करते हैं। इसके बाद 5वां अवस्था रहता है इसमें जो कि हमारे पास 12 से 18 माह का रहता है, और 12 से 18 माह का है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस। तृतीयक हम देखेंगे कि प्रक्रियात्मक अनुक्रियाएं होंगी जो 12 से 18 महीने रहेंगी, और इसके बाद फिर लास्ट स्टेज आती है जिसे हम इंटरनलाइजेशन या मेंटल रिप्रेजेंटेशन की स्टेज कहते हैं, जो कि 18 से 2 साल में है। यह है इंटरनलाइजेशन की स्टेज। ये आंतरिकरण की अवस्था है, और इसी अवस्था को मानसिक निरूपण की अवस्था भी कहा जाता है, इसी अवस्था को मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, और इसी अवस्था को प्राप्त करने से ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा प्राप्त करता है, वस्तु स्थैतिकरण की संक्रिया को बच्चा प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आंसर ये 4th ही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन बाय गार्डनर, कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से नहीं है। जैसे कि आपको विदित होगा, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, तो MI थ्योरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बहुबुद्धियों के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो कि गार्डनर की दी हुई है। इसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात करी थी, जो हमारे पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल है, संगीतमत बुद्धि है, स्पेशल या इसी को हम दैशिक बुद्धि भी कहते हैं या स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं। तो ये है, ये भी है इसमें, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी है, विश्लेषणात्मक बुद्धि नहीं है। ये हमारे स्टर्नबर्ग के ट्रायर की थ्योरी का है, ये स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत में दे रखी है विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो आंसर इसमें ये हो जाएगा। अन्य बुद्धियों की हम बात करें तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस प्राकृतिक बुद्धि है, फिर मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस गणितीय तार्किक बुद्धि है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हम भाषाई बुद्धि को देखेंगे। तो ये 8 प्रकार की बुद्धियां हैं। एक रह गया बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि। तो ये 8 प्रकार की बुद्धियां जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत गार्डनर ने दी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अकरेंस ऑफ अ डिजायरेबल बिहेवियर, ही से टीचर सेज वेरी गुड, एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत तुरंत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है। ये प्राइमरी रिइंफोर्सर है, प्राथमिक पुनर्बलन है। व्यवहार व्यवहार का प्रदर्शन तुरंत पुनर्बलन, तो ये प्राथमिक पुनर्बलक कहलाता है। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट आफ्टर डिजायरेबल बिहेवियर,
इसे हम प्राथमिक पुनर्बल कहते हैं, ये प्राइमरी रिइंफोर्समेंट है। जबकि हम सेकेंडरी रिइंफोर्सर की बात करें तो सेकेंडरी रिइंफोर्सर का मतलब है प्राइमरी रिइंफोर्सर के बाद हम उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एक और रिइंफोर्समेंट देते हैं। अगर हमने एक प्राथमिक पुनर्बलक दिया है उसके बाद फिर और मजबूती के लिए हम कोई और भी पुनर्बलक देते हैं तो इसे द्वितीय पुनर्बलक कहा जाता है। जबकि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब है, नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है कि हम कोई चीज हटा रहे हैं जिससे कि हमारे पास जो है एक व्यवहार जो है वो बढ़ जाए। तो पुनर्बलन का मतलब है कि व्यवहार में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और नेगेटिव का मतलब है हम किसी उद्दीपक को हटाने के कारण व्यवहार में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट है। तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट रहेगा प्राथमिक पुनर्बलक, प्राइमरी रीइन्फोर्समेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें प्रश्न संख्या 21 है, वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है, The ability of classification development, ये शुरू होता है concrete operational stage से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। वर्गीकरण के लिए जो हमें चाहिए वो चाहिए reversibility and decentering। हमें दो क्षमताएं चाहिए, दो संक्रियाएं चाहिए, एक चाहिए हमें पलटावली और दूसरी चाहिए हमें विकेंद्रण। पलटावली का मतलब है हम आयामों को अलट पलट कर चीजें समझ सकें, और विकेंद्रण का मतलब है हम किसी भी एक वस्तु के विभिन्न लक्षणों को अलग अलग करके चिंतन कर पाए। रिवर्सिबिलिटी मीन्स दैट यू कैन चेंज द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर एंड डायमेंशंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड इट, एंड डीसेंटरिंग मीन्स दैट यू कैन डीसेंटर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड थिंक इंडिपेंडेंटली ऑफ एवरी एट्रीब्यूट। ये दो जो जब तक संक्रियाएं नहीं आती तब तक हम वर्गीकरण नहीं कर सकते, और ये दोनों ही संक्रियाएं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्याजे की तीसरी जो संज्ञानात्मक अवस्था है उसमें विकसित होती है। तो आंसर यहां पे रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टेबुलर आसा कंसेप्ट, टेबुलर आसा ब्लैंक स्लेट, इसे हम कोरी स्लेट कंसेप्ट कहते हैं, ये दिया गया है जॉन लॉक के द्वारा। ये एक फिलोसॉफिकल मॉडल है, ध्यान रखिएगा, ये शिक्षण का एक दार्शनिक प्रतिमान। तो तीन प्रकार के दार्शनिक प्रतिमान होते हैं, इनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें मैंने फिलोसॉफिकल मॉडल्स की ही बात करी है, उसमें मैंने दार्शनिक प्रतिमानों की ही बात करी है। वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल नीलकंठ एजुकेशन पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो जैसे मैं टीचिंग मॉडल्स के लाया हूं मैं लगातार लाता रहूंगा। तो आप उसको जैसे ही वो मॉडल आते हैं तो जितने भी टीचर्स हैं बन रहे हैं या टीचर्स हैं वो इसको देख सकते हैं और अपने अंदर गुणवत्ता मूलक सुधार कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है, द ट्रायर्की थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत। तो ये जैसे कि मालूम है आपको स्टर्नबर्ग ने दे रखा है, और इसमें तीन तरह की बुद्धि दी थी, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। ये तीन त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत स्टर्नबर्ग ने हमें ये सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग सैलरी टू टीचर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, विच शेड्यूल ऑफ रीइन्फोर्समेंट इट रिफ्लेक्ट्स, शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिरी में वेतन दिया जाता है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि टाइम की बात की गई है, समय की बात की गई है। समय किस स्वरूप में दे रखा है, एक माह पर मंथ। तो जो एक निश्चित समय के अंतराल के बाद दिया जाता है उसको हम कहते हैं स्थिर अंतराल,
फिक्स्ड इंटरवल। अगर यहाँ पे बात की जाती मनी की, पैसा दिया जा रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा है, अगर वो बराबर दिया जाता तो फिक्स्ड रेशियो हो जाता। तो रेशियो का मतलब है स्टिमुलस बराबर बराबर देना, जबकि इंटरवल का मतलब है टाइम पीरियड बराबर होना। स्थिर अंतराल का मतलब है समय जो अवधि है वो समान होना, जबकि अनुपात का मतलब है स्थिर या चर में वहां पर हम उद्दीपक की मात्रा की बात करते हैं, उद्दीपक की मात्रा कितनी दी गई। तो क्योंकि यहाँ पे समय अंतराल की बात की गई है, समय अवधि की बात की गई है, टाइम पीरियड की बात की गई है, तो ये अंतराल का है और एक समान दिया जा रहा है, एक समान समय के बाद दिया जा रहा है, तो ये फिक्स्ड हो गया, स्थिर अंतराल हो गया। तो उत्तर यहाँ सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोग्राम लर्निंग की बात की गई है यहाँ पे। प्रोग्राम लर्निंग को हिंदी में एक और नाम दिया जाता है अभिक्रमित अनुदेशन। एक और नाम भी इसके लिए प्रचलित है, वो है निर्देशन नियोजन। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें अभिक्रमित अनुदेशन, तो ये स्किनर के द्वारा दिया है, जिसने लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया था, उन्होंने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था। इसके बाद बहुत सारे अभिक्रमित अनुदेशन आए, जल्दी ही आईसीटी के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा, तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो ये स्किनर के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था, स्किनर ने ही सबसे पहले ट्रेनिंग के ऊपर बात करी थी, प्रशिक्षण के ऊपर, शिक्षा में बात करी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है यहां पे टीच मॉडल। तो बात की गई है टीच मॉडल की। तो टीच मॉडल 1960 में एरिक स्कॉपलर द्वारा ऑटिज्म बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, जो स्वालीन बच्चे होते हैं, ऑटिज्म का हिंदी हम देखें स्वालीनता रहती है, तो जो स्वालीन बच्चे हैं उनके लिए, उनके शिक्षण के लिए इसको विकसित किया था। तो आंसर यहां फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है इसमें बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया, ये हॉवर्ड गार्डनर का रहा, तो आंसर यहां गार्डनर रहेगा, तीसरा रहेगा। अगला प्रश्न देखें इसमें। मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत का प्रयोग करके अधिगम सिद्धांत विकसित किया। Psychologists who try to develop a learning theory using principle of topology, a branch of mathematics. ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं field theory की, जो कि एक topological model के ऊपर, field theory जो maths की topology का model है, ये दिया था Kurt Lewin ने। Kurt Lewin ने ये सिद्धांत दिया है, और ये सिद्धांत मैथमेटिक्स के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड था, और ये क्या है, क्षेत्र सिद्धांत है, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास डेवलपमेंटल फील्ड है वो हेड फील्ड इनटू एनवायरमेंटल फील्ड के प्रोडक्ट के बराबर रहता है। और यहां पे Kurt Lewin ने इस फील्ड को बताने की कोशिश करी है, ये इंडिविजुअल है, ये स्वैप करेगा पूरा एरिया को, ये जो एरिया है ये उसका एनवायरमेंटल फील्ड है, ये धीरे धीरे पूरे में जो इंडिविजुअल फील्ड रहता है, हेरिटी फील्ड या इंडिविजुअल फील्ड भी कह लेते हैं उसको, IF भी कह लेते हैं वो, इसके अंतर्गत वो इसको क्या करता है, स्वैप करता है, और ये जो है ये उसका डेवलपमेंटल एरिया रहेगा। तो ये फील्ड थ्योरी है जो कि Kurt Lewin के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, इसमें वो लिख देता हूँ फंक्शन क्या क्या है। तो ये है डेवलपमेंटल फंक्शन,
ये विकास फंक्शन है, ये है हेरिडिटरी या इंडिविजुअल फंक्शन, ये व्यक्तिगत क्षेत्र है, और ये है एनवायरमेंटल फंक्शन। ये वातावरणीय क्षेत्र है। ये फील्ड थ्योरी है जो कि मैथ्स की टोपोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर कुडलेवे ने ये थ्योरी दी। नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट इसमें बात होती है रेखा, शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपका गृह कार्य पूरा नहीं हुआ है, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है, कक्षा से वंचित किया जाता है। द टीचर सेड दैट शी इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम पीरियड एज शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखिए यहां पर हमें पुनर्बलन पूछा गया, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीजें क्यों हम देखते हैं। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि हमें स्टिमुलस रिमूव करना है, पॉजिटिव का मतलब होता है स्टिमुलस प्रोवाइड करवाना है। नकारात्मकता का मतलब है उद्दीपक हटाया जाएगा, और पॉजिटिव का मतलब है उद्दीपक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब रीइंफोर्समेंट का मतलब है व्यवहार बढ़ना, और पनिशमेंट का मतलब है व्यवहार कम होना। अब अगर हम देखें तो कक्षा से वंचित किया जा रहा है यानी नेगेटिव है, उद्दीपक को हटाया जा रहा है, लेकिन गृह कार्य नहीं पूरा करा गया है, इसको कम किया जा रहा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आया वो आया नेगेटिव पनिशमेंट। यहां जो प्रदान किया जा रहा है वहां पे नकारात्मक दंड प्रदान किया जा रहा है, तो नकारात्मक दंड है ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में केवल दंड है, तो आंसर यही हो जाएगा, पनिशमेंट दी जा रही है यहां पे। यहां पर हम उसके होमवर्क न करने के व्यवहार को कम कर रहे हैं, गृह कार्य नहीं करने के व्यवहार को कम कर रहे हैं, इसीलिए एक दंड है, और क्योंकि कम किया जा रहा है तो नकारात्मक दंड है, इसीलिए यहां पर पनिशमेंट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट यहां फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा ओरल स्टेज, तो ओरल स्टेज उनकी पहली स्टेज है और वो बर्थ टू वन ईयर होती है, ये फर्स्ट स्टेज है। अगर हम देखें तो पांच अवस्था में सिद्धांत है, तो बर्थ टू वन ईयर हमारे पास ओरल होती है, यहां पे हमारे पास हम मुख्य अवस्था देखेंगे, बर्थ टू टू ईयर्स हमारे पास एनल होती है, यहां हम गुदीय अवस्था देखेंगे, बर्थ नहीं है सॉरी, वन टू टू ईयर, वन टू एक से दो वर्ष तक गुदीय होती है। फिर अब अगर हम देखें तो एक से तीन वर्ष देखते हैं ना, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं यहां से। दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें तो एक से तीन वर्ष एनल है, गुदीय अवस्था है। तीसरा अगर हम देखें तो तीन से छह वर्ष हमारे पास फैलिक है, लिंगीय अवस्था है। चौथा हम देखें तो छह से बारह वर्ष लेटेंसी है, सुप्तावस्था है। और अगर हम पांचवें की बात करें तो पांचवी अवस्था यहां पे बारह से जन्म भर है, इसे हम कहते हैं जीनाइटल स्टेज यानी जननांगीय अवस्था। ये 12 वर्ष से, या प्यूबर्टी एज भी कहते हैं, वह संधि से जीवन भर चलने वाली अवस्था है। तो ये फ्रायड का विकास सिद्धांत है जिसे हम
मनोलैंगिक विकास सिद्धांत कहते हैं। तो साथियों ये थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के प्रश्न पत्र 1201, कोड संख्या जो 1201 है उसके अंतिम 15 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। वो सभी लोग जो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए थे उन सभी का धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।